19 दिसंबर को पंकज पर कातिलाना हमला किया गया था और ये घटना जिला सांबा के रामगढ़ क्षेत्र के सजादपुर इलाके की है। सजादपुर इलाके में वॉलीबॉल की ग्राउंड में जब वॉलीबॉल खेल रहा था पंकज, तो वहां पर कुछ अज्ञात लोग आ जाते हैं जिनके पास हथियार थे। इन लोगों ने वो तेजधार हथियारों से श्यामू के ऊपर कातिलाना हमला किया, उसे जान से मारने की कोशिश की। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पंकज पर कातिलाना हमले करने वाले दो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने 31 तारीख को एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसका नाम श्यामू बताया जा रहा था, और अब दो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले जिस शख्स को कल जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक शख्स है जिसे सांबा पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है, और एक और तस्वीर है जो इससे पहले जो शख्स गिरफ्तार किया गया था मुख्य आरोपी जिसका नाम श्यामू बताया जा रहा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये उसकी तस्वीर है, ये श्यामू है, श्यामू को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस मामले में। और दरअसल ये मामला जो है वो विस्तार से हम आपको बता दें तो 19 दिसंबर को पंकज पर कातिलाना हमला किया गया था और ये घटना जिला सांबा के रामगढ़ क्षेत्र के सजादपुर इलाके की है। सजादपुर इलाके में वॉलीबॉल की ग्राउंड में जब वॉलीबॉल खेल रहा था पंकज, तो वहां पर कुछ अज्ञात लोग आ जाते हैं जिनके पास हथियार थे। इन लोगों ने वो तेजधार हथियारों से श्यामू के ऊपर कातिलाना हमला किया, उसे जान से मारने की कोशिश की, और जिसमें श्यामू जो है बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके बाद ये आरोपी फरार हो गए थे। उसके बाद हमने आपको पंकज का बयान भी सुनाया था कि पंकज जो है वो क्या कहता है। पंकज ने कुछ लोगों के नाम बताए थे, कुछ बदमाशों के नाम बताए थे, गैंगस्टरों के नाम बताए थे, और कुछ वीडियोस भी बीच में वायरल हुए थे जो लोग हथियार पिस्टलें हाथ में लेकर इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने तो कांड कर दिया है, इस तरह की बातें जो थी वो कर रहे थे। लेकिन इसमें हमने आपको पंकज का बयान सुनाया था और पंकज ने कुछ बदमाशों के नाम लिए थे और उसके बाद श्यामू नामक युवक को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब दो और आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे मामले को विस्तार से इन लोगों का क्या नाम है, क्या कौन है ये लोग, बताने के लिए हमारे साथ राजू है, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो सांबा से। राजू जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग जो आरोपी पकड़े गए हैं इनके क्या नाम है। दीपक जी, जिसे मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ दिन पहले रामगढ़ पुलिस थाना के अंतर्गत जाजपुर गांव में देर शाम को एक युवक पंकज नाम है जिसका, उस पर कुछ लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला किया था जिसके बाद उसको काफी गंभीर चोटें आई थी। वही पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारपाई के माध्यम से उस युवक को रामगढ़ के CHC हॉस्पिटल में पहुंचाया था, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जो GMC जम्मू रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उसको पंजाब के किसी निजी अस्पताल में उपचार के लिए लेके गए थे। जी, वही उस घायल युवक ने कुछ आरोपियों के नाम जब्त किए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार उन आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और 31 जनवरी को एक आरोपी जिसकी पहचान राधे श्याम उर्फ श्यामू पुत्र सोमदत्त निवासी सहजादपुर रामगढ़ के रूप में हुई है, को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद से ही दो और आरोपियों को बीते कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है मजालता से। अच्छा, और जिसके बाद जिसमें जो एक आरोपी का नाम पुलिस ने साझा किया हमारे साथ, उसमें अमित कुमार कोड नेम उसका है शराबी, ये शराब पीने वाला शख्स है सर। अब इसमें हम तो ये कह नहीं सकते कि जिस शराब पीने वाला है, लेकिन उसका कोड नेम जो है वो शराबी रखा गया था। चार दोस्तों में निक नेम डाले जाते हैं जिस तरह से, इसी तरह से इस शख्स का नाम भी शराबी रखा था। और पुत्र जो बताया गया है ओमकार नाथ निवासी वार्ड नंबर 1 पक्की मंडी सांबा के रूप में हुई है। और वही इसके साथ एक और आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने उसकी
पहचान साझा नहीं की गई है। जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो दूसरा आरोपी जिसमें तीसरा आरोपी है वो 18 साल से कम की उम्र का है, जुबनाइल है वो। जुबनाइल है? पुलिस बिल्कुल। अच्छा। और इसलिए पुलिस ने उसकी पहचान साझा नहीं की है। मतलब जुबनाइल भी इन हत्याओं में, इन कातिलाना हमलों में शामिल है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह से पुलिस की तरफ से जो जानकारी पुलिस सूत्रों से हमें मिल रही है कि जिस तीसरा आरोपी है जो जुबनाइल है, अभी और दो आरोपी इसमें नामजद हैं जी, जिनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। जिस तरह से एक आरोपी लगभग 10 से 12 दिन बाद हत्या चला था पुलिस के, उसके बाद अब दो आरोपी और चढ़े हैं, वही इस केस में दो आरोपी और शामिल है, उनको भी पुलिस पकड़ने का प्रयास जो कर रही है। मैं राजू जी ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के नाम, जिन बदमाशों के नाम पंकज ने लिए थे, ये वही लोग हैं कि कोई और हैं? दीपक जी, इनमें से कुछ लोग, तीन युवक है जिनमें से एक दो युवक का नाम जो घायल युवक ने लिया था वही है, और कुछ अभी जिनके नाम नहीं भी लिए थे वो भी इसमें शामिल है, लेकिन वो अभी गिरफ्तार ही से बच रहे हैं। वो जब हमने सुना था तो मक्खन मक्खन का नाम लेता था, शुन्नू का नाम ले रहा था, कोई और भी एक दो नाम ले रहा था, ये वही लोग हैं और हैं? देखो ये वही लोग, ये वही लोग नहीं है, ये अलग है। जो दो लोग और बताए जा रहे हैं उनमें से वो हो सकते हैं जो जिनका नाम लिया गया है। अच्छा, कोई और जानकारी इसके अलावा? देखो इसके अलावा अभी यही जानकारी है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, और अब जो दो अन्य आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे हैं उनको पकड़ने का रामगढ़ पुलिस प्रयास कर रही है। लेकिन कल पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर मझालता क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी और वहां से इन दो आरोपियों को जो गिरफ्तार किया था। श्री पुलिस, अच्छा इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों के नाम, जिन बदमाशों के नाम पंकज ने लिए थे वही अक्षय की हत्या में भी शामिल थे, तो क्या उनके हत्यारे हत्या चढ़ रहे हैं पुलिस के? नहीं अभी वो उसमें अक्षय की हत्या में कोई भी आरोपी जो पकड़ा नहीं गया है, सस्पेक्ट जो उठाए है पुलिस ने वो पुलिस के कब्जे में है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जो इस पंकज के हत्या के प्रयास में शामिल है, तो जिस जो पांच आरोपी युवक जो है जो पंकज पर हमला करने वाले, उनमें से दो आरोपी बताए जा रहे हैं कि अक्षय की हत्या में भी शामिल है। अच्छा, दो आरोपी अक्षय की हत्या में, दो आरोपी हैं वो? फिलहाल दीपक जी जो सूत्र जानकारी हमें दे रहे हैं, दो आरोपी उनमें से हैं जो अभी तक पुलिस के हत्या चढ़े नहीं है। बिल्कुल, अभी तक अक्षय की हत्या करने वाला कोई भी आरोपी पुलिस की हत्या नहीं चढ़ा, लेकिन पुलिस हर तरह की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, दो आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, एक उसमें जुबनाइल है। हैरानगी की बात ये है कि जुबनाइल भी जो है वो कातिलाना हमला करने में शामिल था, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार जरूर किया लेकिन उसकी पहचान बताई नहीं है। और दो और आरोपी बताए जा रहे हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, और हो सकता है ये अक्षय की हत्या में भी वो आरोपी जो है वो शामिल हों। अब कब तक पुलिस इन्हें पकड़ती है, अक्षय के हत्यारे कब तक पकड़े जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पंकज पर कातिलाना हमला करने के मामले में तीन आरोपी जो है, मुख्य आरोपी के अलावा दो और आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।